और चलिए अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर में बैठक ली। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बढ़ते संक्रमण की दर को लेकर चिंता जताई। वहीं नए स्ट्रेन को प्रदेश के लिए खतरनाक मानने से इनकार किया। वैक्सीनेशन में तेजी लाने की बात कही। वहीं विपक्ष के हमले पर पलटवार करने से भी नहीं चूके। तो पॉजिटिविटी बढ़ी है तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार आम लोगों के साथ साथ सरकार को भी चिंता में डाल रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी संक्रमण के बढ़ते दर को लेकर चिंता में हैं। संक्रमण की दर की अगर बात करें तो 2 अप्रैल को 34,075 जांच होती है, जिसमें से 4,174 पॉजिटिव मरीज आते हैं और 43 की मौतें हो जाती है। 1 अप्रैल को 40,857 जांचें होती हैं, 4,617 पॉजिटिव मरीज सामने आते हैं, 34 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। 31 मार्च को 38,420 जांच हुई, 4,563 पॉजिटिव मरीज सामने आए और 39 की मौतें हो गई। 30 मार्च को 25,569 जांचें होती हैं, 3,108 पॉजिटिव मरीज आते हैं और 35 लोगों की जान चली जाती है। 29 मार्च को 8,263 जांचें होती हैं, 1,423 पॉजिटिव मरीज सामने आते हैं जिनमें से 20 की जान चली जाती है। 28 मार्च को 24,686 टेस्ट हुए जिसमें से 2,153 पॉजिटिव मरीज सामने आए और 15 की मौत हो गई। 27 मार्च को 39,577 जांचें होती हैं, 3,162 पॉजिटिव मरीज सामने आते हैं और 13 लोगों की जान चली जाती है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बढ़ते संक्रमण के लिए ज्यादा टेस्टिंग और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र का प्रभाव होने से इनकार नहीं किया है। हम महाराष्ट्र के बगल में है, हमारा सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र से पड़ रहा है। और महाराष्ट्र में अगर पिछली बार से ज्यादा संख्या जारी है पॉजिटिव लोगों की टेस्टिंग की, और दूसरा ये हो रहा है कि पिछली बार से टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है। पिछली बार अगर हमारा 22-24 हजार का औसत टेस्टिंग का आ रहा था, अभी 36-38 हजार औसत टेस्टिंग हो रही है प्रतिदिन। तो टेस्टिंग आप ज्यादा करोगे तो संख्या भी ज्यादा आएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने रायपुर में हुई बैठक में जहां बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की है, वहीं कई अहम फैसले लिए हैं। शाम 6 बजे रायपुर की सभी दुकानें होंगी बंद। ये 5 राज्यों में अभी ये नया स्ट्रेन आया है, जो विशेषज्ञ हैं अभी भी पूरे विश्वास से वो कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ये ज्यादा खतरनाक है। ये सामान्य स्ट्रेन है, जैसा कोई म्यूटेशन होता है ये भी एक म्यूटेशन है। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए वैक्सीनेशन को भी तेज करने की बात कही है। हम लोग अप्रैल के आखिर तक इसको मान के चल रहे हैं। 20% आबादी हमारी 45 से ऊपर है, तो ये हो गई 20% आबादी 60 लाख। तो शेष जो बचा है, अगर आप इस औसत से करते रह सके, ये निर्भर करेगा प्योर केंद्र सरकार से के ऊपर कि वो वैक्सीन सप्लाई कर सकती है। सरकार के संक्रमण की रफ्तार को थामने के तमाम प्रयास के बावजूद विपक्ष को सरकार के प्रयास नाकाफी लग रहे हैं। विपक्ष के हमले पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार किया है। एक एक दिन में 43 लोगों के मृत्यु में जाना, 4,000 से ऊपर लगातार केस का आना और पूरे हिंदुस्तान में अपना रिकॉर्ड बनाना कि हम कोरोना में सबसे आगे, दुर्भाग्यजनक स्थिति है। सरकार या तो इस छत्तीसगढ़ की तरफ से कोरोना से मुख मोड़ लिया है या उसमें अब करने को कोई मात्रा बची नहीं है कि लोगों को बचाया जा सके। 25 से 30 मृत्यु प्रतिदिन हो रही है और हम लोग के लिए बड़ी चिंता का विषय यही है कि मृत्यु हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जी को अगर कोई जानकारी है कि किसी की मृत्यु हुई है और वो कोविड पॉजिटिव थे और सरकार ने छुपाया है, तो जरूर वो बताएं। ऐसे नहीं कोई बात करनी चाहिए, खास करके कोविड के समय में, जो शुद्ध रूप से राजनीतिक हो। विपक्ष भले ही सरकार के तमाम प्रयास पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन छत्तीसगढ़ संक्रमण की तेज रफ्तार सरकार को चिंता में डाल रही है। सरकार ने संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए हर संभव प्रयास किया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार के इन प्रयासों को संक्रमण की रफ्तार को थामने में कितनी मदद मिलती है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ 8।